जातीय जनगणना और पुरानी पेंशन, यह दो ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिस पर सभी राजनीतिक दलों की नजर है। हर कोई इसे भुनाकर अपना वोट बैंक बढ़ाने को ललायित है। जातीय जनगणना कराने को लेकर राहुल गांधी सदन में जहां गारंटी दे चुके हैं कि जातीय जनगणना लागू हो के रहेगी, वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि जिस प्रकार से सभी लोग जातीय जनगणना के लिए एक हो रहे हैं, उसी तरह पुरानी पेंशन बहाली के लिए सब लोग एक हो जाएंगे। आज नहीं कल, जिस तरीके से जनगणना के लिए सब पक्ष एक हो रहा है, वैसे ही ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए भी सब लोग एक साथ हो जाएंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्द ही यू टर्न लेने वाली है। जातीय जनगणना और ओल्ड पेंशन स्कीम दोनों पर भारतीय जनता पार्टी यू टर्न लेगी, और भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्दी यू टर्न लेने वाली पार्टी बनने जा रही है। जातीय गणना पे भी यू टर्न लेगी और ओपीएसपी में यही यू टर्न होगा भारतीय जनता पार्टी का। अखिलेश ने एक ऐसा बयान दिया जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। अखिलेश ने इशारों में कहा कि वह, मतलब योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन कम से कम प्रधानमंत्री का रोल तो ना अदा करें। दुनिया में किस देश के साथ कैसा संबंध रखना है, यह प्रधानमंत्री जी का काम है। अखिलेश ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि दिल्ली वाले योगी जी को समझाएंगे कि दिल्ली वाले फैसले में आखिर हस्तक्षेप ना करें। देखिए, वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, कम से कम प्रधानमंत्री का रोल उन्हें नहीं प्ले करना चाहिए। ये काम प्रधानमंत्री जी का है, भारत सरकार का है कि दुनिया में किस देश के साथ कैसे संबंध रखना है। ये पहली बार नहीं मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी पहले भी कह चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि दिल्ली वाले इन्हें समझाएंगे कि दिल्ली वाले फैसलों पर वो हस्तक्षेप न करें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जल्द लौटेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।